गाना बंद करो, गाना बंद करो। Ma'am, congrats on launching your fashion label and your YouTube channel. What was the inspiration to start both these ventures? Thank you so much कि आप सारे लोग यहाँ पे आए। ये जो आज का दिन है, इस दिन के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट किया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की, रेडी किया है। इस चीज़ को यहाँ तक लाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है और ये चीज़ जो निवेदितास जो ड्रेसेस का मैंने स्टार्ट किया है, इस पर हमने अभी स्टार्ट किया वेस्टर्न ड्रेसेस से, बट इस पर हमारा है कि कुछ इंडो वेस्टर्न और कुछ मेंस वेयर पे भी मैं लेकर आऊँ। अभी मेरा ये फर्स्ट है, सेकंड उस पर शायद आप लोग के लिए, या सेकंड टाइम जब आप लोग आए तो और अच्छी चीज़ें आप लोग को देखने को मिले। सुनीता, खुद फेमस मॉडल एक्ट्रेस रह चुकी हैं, क्या समझेंगे ये कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लेवल को, यू नो, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने में मार्केट में? मैं इस फील्ड इस लाइन में थी, इसलिए शायद मुझे ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया आया कि मुझे ये करना चाहिए और ये सारी चीज़ें फैशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट किया। तो इनिशियली यू आर एथलीट, मतलब आपने नेशनल लेवल पे खेला है, तो क्या इंस्पायर्ड किया आपको इस वर्ल्ड में आने के लिए, और अभी तक जो अपने अचीवमेंट्स किया है उससे कितनी सेटिस्फाइड हैं और आगे का क्या विजन है इस चीज़ को लेकर? अभी तो फिलहाल जितना किया है उस पर मैं सेटिस्फाइड हूँ और ये जो एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ इस पर मैं कोशिश करूँगी कि जो जो लोग हैं, जो सिंगर्स हैं अच्छे, जो लोग मतलब गाना चाह रहे हैं बट उन लोग मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म दूँ कि उनके लिए एक अच्छा सा मतलब सिंगिंग से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ें वो करके दिखाएँ और लोगों के सामने वो चीज़ आए। तो अभी तक आपने मॉडलिंग तो किया है, प्लस यू ने म्यूजिक में काम किया है, फिल्म टेलीविजन भी आज के दौर में बड़ा मीडियम, वेब शोज बहुत बड़ा मीडियम हो चुका है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्सप्लोर करना चाहेंगे आगे चल के? मैं मूवी लाइन में तो नहीं जाना चाहूँगी, मुझे म्यूज़िक पसंद है और म्यूज़िक से रिलेटेड मैं हमेशा करूँगी। हाँ, अगर मेरे सॉन्ग्स अगर कोई हिट होते हैं और अगर कोई मूवी पे जाना चाहे, मतलब कोई मूवी में लेना चाहेगा, तो ऑफकोर्स मैं लेना चाहूँगी। आज क्या कहना चाहिए, आज काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिलीज के लोग आए बहुत सपोर्ट किया आपको इस वेंचर के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारे लोग यहाँ पे आए और एक जब तो फर्स्ट तो आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग के बिना यहाँ पे कोई भी चीज़ हाईलाइट हो ही नहीं सकती, तो आप लोग के बिना ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल है ही नहीं, तो आप लोग के लिए थैंक्स। और यहाँ पे जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हैं, ये सारे लोग हमेशा हर एक का सपोर्ट हुआ और हर एक को बिना सपोर्ट के आप कोई भी चीज़ कर भी नहीं सकते, चाहे वो फ्रेंड हो या फैमिली हो या मीडिया हो, कोई भी चीज़, तो हर एक चीज़ का एक अपने उस पर एक टाइम होता है और हर एक की ज़रूरत होती है, तो सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। एंड लास्टली, क्या विजन है, क्या स्टेप्स फर्दर उठाने वाली हैं, मतलब आज आपने लॉन्च कर दिया, आज बड़ा दिन आपके लिए, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग भी होगी इस चीज़ को लेकर, कैसे एक विजन, मतलब आप बड़ा एक ब्रांड क्रिएट करने वाली फ्यूचर में? मेरा यही होगा कि इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के सामने लाऊँ और लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ और बस आप लोग की सबका सपोर्ट हो, अच्छी विशेज होंगी तो आपको काफ़ी हाइट पे जाएंगे। आपको एज ए मॉडल और एक्ट्रेस तो हमने देखा ही है, अब आप फैशन डिज़ाइनर भी बन गई है, तो क्या मतलब इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा आपको, और जो अगर जर्नी के बारे में बात करें मॉडलिंग से लेके अब तक कैसी रही बताएं? मैंने कोई मतलब ये फैशन से रिलेटेड मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट मुझे ये चीज़ मालूम है
कि आज का जो टाइम है, आज की जो लड़कियां हैं उनको क्या चाहिए और वेस्टर्न ड्रेसेस पे वो क्या पसंद करती है, अगर और हमारे जो ड्रेस है वो कैजुअल वेयर है जो कि नॉर्मली आप ऑफिस पे भी पहन सकते हैं और नॉर्मली एक अगर आप डेली उस पर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप लोगों ने देखा, आपको शायद पसंद आया हो। आपके लिए फैशन क्या है? आप फैशन को कैसे डिफाइन करते? मेरे लिए फैशन क्या है? फैशन एक तो लोगों के सामने आना चाहिए और जिसे लोग पसंद करें और एक अलग सा हटके होना चाहिए, क्योंकि फैशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन हर एक से थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा अलग कुछ करने का और कुछ करके लाएं, तो वो सारी चीज़ें मेन होती हैं जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये कंप्लीट हो। रेनी सीज़न चल रहा है, कोई टिप शेयर करना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है? रेनी सीज़न पे क्या, क्योंकि बारिश तो सबको अच्छी लगती है ना, तो मतलब कैसे खुद को मेंटेन करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, अगर कुछ शेयर करना चाहिए? बारिश में आपको ज़्यादा हैवी तो कोई भी पहनना नहीं चाहेगा और ड्रेसेस तो सारे अच्छे होते हैं बट मौसम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको बारिश में लोग प्रिंटेड फ्लावर्स और थोड़ी नियॉन कलर्स ये सारे पसंद करते हैं। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक